सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ एक बार मस्ती राइड पे, लेकिन आज जो राइड है वो मेरी एकदम अकेली सोलो राइड होगी, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं इस टाइम राइड करने के लिए। पहले हमने जो दो ब्लॉग देखे उसमें भाई अपने पास तीन बाइक्स थी, आज हमारे पास कोई बाइक नहीं, सिंगल मैं ही हूँ। सो कोई कुछ प्लान नहीं है कैसी राइड रहेगी कैसी नहीं, बाकी जाके देखते हैं क्या सीन रहता है। बाकी यार आजकल जो ये काम लगा है कंस्ट्रक्शन का, उसकी वजह से भाई रोड काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, राइड करना तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड ऊपर से मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मेरी आवाज़ से शायद थोड़ा बहुत पता लग रहा होगा। सो फिर भी यार ट्राई करते हैं एक अच्छा सा ब्लॉग लाने के लिए आपके लिए। तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। फक, क्या कर रहा है यार? पीछे देखिए काट मार कर मारिए तो हमी भाई हो क्या रहा है यार, सारे आगे आगे क्यों आ रहे हैं यार, हद होगी। मैं आराम से चल रहा हूँ इसलिए, पता नहीं क्या सही रहा भाई, जिस दिन मैं आराम से चलूँ उस दिन लोग मेरे आगे आते हैं। दो बार बच गया मैं आज है। तीन मैसेज कितना है व्हाट्सएप पर? चल तेरा चलिए यार, चले मोटरसाइकिल ली रखी है BMW RR 310। तुम्हारे पास एक पड़ी है सिंपल Apache RR 310, तो मैं सोच रहा हूँ दोनों का एक कंपैरिजन करके आपको दिखा दिया जाए। सो वही बात कर रहा था, कह रहा सर्विस के लिए भेजी है चंडीगढ़, वहाँ से ली थी, क्योंकि अपने यहाँ पे तो BMW का कोई शोरूम ही नहीं है, तो चंडीगढ़ भेजी है, कह रहा वहाँ पे एक मंथ लग जाएगा सर्विस के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके कोई कैंप वगैरह चल रहे हैं, सो उनके जो सर्विस वाले जितने भी लेबर है वो सारी वहाँ पे है ही नहीं। रिसेंटली वहाँ से आमिर माजिद ने जो अपनी RR ली है, वो हाँ RR ही है वैसे, S1000 RR ली है, एंड देन UK 07 ने भी वहीं से परचेज करी है। बाकी भाई उनका कैंप लग रहा है, तो उसकी वजह से ये कह रहा है कि अभी वहाँ पे टाइम नहीं है उनके पास, सो जब महीना लग जाएगा भाई सर्विस का लगा लो हिसाब। पर वो वैन चोद ये क्या है यार, पंजाबी पागल होंगे यार, वह बोलो कुछ भी यार, साला छत नहीं ऊपर शीशा नहीं आगे, नंगी गड्डी है, लंडी लंडी जीप और टायर साले अपने से बड़े लगा रखे हैं। वैन चोद आजकल ना यहाँ पर ड्रीम पार्क में ना बाइक पार्क करना भी रिस्क है भाई, सीधा सीज होती है बाइक यहाँ से, तो वो थोड़ा हमें अपने हिसाब से थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करके बाइक को पार्क करना पड़ेगा, वरना सीधा सीज बाबे। ओ भाई साहब क्या हाल चाल, ब्लॉगर निकला हमारे सामने से। और भाई कहाँ से हो? मैं नगरी से। अच्छा लोकली हो? पुष्पिंदर ने आप की थी बात आपको, आप मेरे रिलेटेड पुष्पिंदर कौन सा? पुष्पिंदर खाते नगरी से, R5 V4 वाला। सो भाई अभी यहाँ पे मुझे कुछ राइडर्स मिल गए अपने कठुआ के, तो भाई काफ़ी अच्छा नेचर है सबका, तो नॉर्मल हमें मिले। ये है भाई का नाम है दीहू अंदोत्रा। सो ये कुछ भाई ने मॉडिफाई करवाई है बाइक अपनी, एग्जॉस्ट लगाया 80 का, तो देखते हैं कैसा रहता है। आज सुबह से मैं घूम रहा था, कोई कंटेंट नहीं मिल रहा, तो भाई आज भाई मिल गया, इनके साथ हम पूरा बात वगैरह कर लेंगे, अच्छे से व्लॉग कर लेंगे। मुझे देखो ड्रिफ्ट करेगी यहाँ पे, बैक फायर पटाखे। कहाँ से जाना अभी मुझे पता नहीं कहाँ से जाएंगे, अंदर से हॉस्पिटल बाबे। कहाँ पे जाना है? ओए कॉलेज रोड पे चलते हैं ना, उस रोड पे चलते हैं कॉलेज वाले पे। सो ये रही अपनी न्यू नंबर प्लेट, आपको दिख रहा होगा हमने हाइड कर दिया। तो गाइस हमारी वीडियो में आज हमारे नए भाई मिले हैं, ये भी कठुआ से हैं भाई, अपना नाम बताओ यार। ऋतिक चौहान। ऋतिक चौहान है भाई, जाके चैनल जरूर चेक करना भाई, और भाई की बाइक चेक करो यार, दूसरे एक बार लुक पड़े भाई, वो नीचे लाइट होती है ऑन। हाँ हाँ रुक जा करता हूँ मैं, कह रहा हूँ जाके वहाँ चले, लाइट लगी यार यहाँ पे, चलो इसको अगर रखेंगे। हाँ हाँ बीचे मार्केट में चलते हैं यार, तब का रैकेट आएगा, गोली मार्केट में प्लीज आती है, मार्केट में कौन सी प्लीज आएगी, हम यहाँ से निकलेंगे वहाँ को आ जाए वापिस, थोड़ा ना हमने मार्केट से। तो ये रहा आज का लाइनअप, फिलहाल कुछ ऐसा है। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं मेन सिटी के अंदर, अभी यहाँ पे आएंगे रिएक्शंस। ओए
शिट यार, ये चीज मैं प्रेफर नहीं करता यार। प्लस ये दुनिया को तंग क्यों कर रहा है यार, क्या बताऊं। बट कुछ कर भी नहीं सकते, अभी कंटेंट के लिए करना पड़ेगा, कंटेंट के लिए करना पड़ेगा यार। ये देखो रिएक्शंस नोट करो, साइड साइड भाई बंदा तो कैमरे में घुस गया था। अबे यार यार नहीं यार चौहान, ये चीज नहीं, मैं इसलिए नॉर्मली चल रहा हूँ सबसे एंड में यार। बब्बे रिएक्शन क्या, अबे फक आपस में ठुक गए थे, आंटी जी आगे आ गए थे। अरे यार ये देखो रिएक्शन, मतलब तंग आ रही है यार दुनिया तो। बंदों की बहन चुत, ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अरे भाई ओ भाई फक, बाइक मेरी हीट कर रही है गंदे तरीके से यार। गंदा सीन था बाबे, गंदा सीन। अब यहाँ से हम निकले सीधा शीदी चौक एंड इधर मैं निकलता हूँ यार, मुझे लेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है काफ़ी मिले यार, काफ़ी मिले ना। ओ बाबे जब बंद हुई ना अमी लग गया कसा, जब बंद हुई ना बाइक मैंने कहा आप गए बहन चौदह लोकड़े पकड़ ले, नहीं मैंने देखा ट्रैफिक वाले आ चुके हैं, शायद हमारी कोई खबर वगैरह पहुंच गई है उनको, तो उस चक्कर में भाई मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा बाहर। वैसे तो मैंने अपने नंबर प्लेट हाइड करके रखी है लेकिन मेरी बाइक अगर उनकी नज़रों में आ गई ना भाई, फिर मेरे को फ्यूचर के लिए थोड़ा पंगा पड़ जाएगा बाबे। सो भी निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है करेंगे इस वीडियो को यहीं पे एंड। ठीक है तो यार फर्स्ट मीट था, ये सब हुआ, अभी जल्दी हम अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाएंगे साथ में। ठीक है तो बंदे की 390 है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी है क्योंकि वो जो पर्टिकुलर कलर है ना वो एकदम डिसेंट है और मतलब अच्छी फेयरिंग है, उस एग्जॉस्ट भी जो है वो अंडर वैली में है, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है ये लुक उस बाइक की यार। 390 मेरे को वही कलर पसंद है। सो लेट्स गो यार, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। ये देखो अभी बंदा पीछे से इतनी तेज़ आएगा तो यहाँ पे एकदम से सीधा इस रोड पे आएगा, बैलेंस खराब और क्रैश। निकलते हैं यहाँ से। आई होप गाइस आपको ये मस्त सी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।